सलमान खान की फिल्म रेस 3 का ट्रेलर अब लॉन्च हो चुका है, तो इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर अब एक क्लैश भी शुरू हो गया है। कई लोगों का मानना है कि सलमान खान परफेक्ट नहीं है रेस 3 के लिए, तो कईयों का मानना है कि सलमान खान ही है परफेक्ट। कईयों का कहना है कि सलमान खान अपने आप में एक बड़े स्टार हैं, लेकिन रेस की फिल्म में जगह है सैफ अली खान की। सैफ अली खान एक ऐसे स्टार हैं जो रेस की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ा सकते हैं। सलमान खान और रेमो डिसूजा की जोड़ी अली अब्बास जफर और सैफ अली खान के आगे अच्छी नहीं है। लोगों का कहना है कि सैफ अली खान जो रेस में कर सकते थे, शायद वो सलमान खान पूरी तरीके से नहीं कर पाए। जबकि सैफ अली खान का कहना था कि वो रेस 3 की कहानी से खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा दुख नहीं है कि रेस 3 उनके हाथ से निकली। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रेस 3 का ट्रेलर देखने के बाद क्या सलमान खान से बेहतर हो सकते थे सैफ अली खान इस फिल्म में? वैसे तो सब जानते हैं सलमान खान एक बड़े स्टार, पर सैफ अली खान ने रेस की फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाया है। तो रेस 3 के ट्रेलर को देखने के बाद दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसके लिए सलमान खान बेस्ट हैं या सैफ होते तो ज्यादा बेस्ट होते? कमेंट में जवाब जरूर दें। सब्सक्राइब करें देखो।